एट्रिजन, एट्रिजन क्या है? एट्रिजन है फिजियोलॉजिकल वेयरिंग कैपेसिटी है। यदि एक टूथ है हमारा मैक्सिलरी टूथ ये है, और ये मैंडिबुलर टूथ है। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टूथ का टूथ टू टूथ कांटेक्ट होने की वजह से ये दांत में घिसाव होता है, जिसको हम एट्रिजन बोलते हैं। दूसरी लाइन में क्या है? टूथ टू टूथ कांटेक्ट एज मैस्टिकेटरी फोर्स। दांत किसी खाना को चबाना या किसी भी हार्ड पार्टिकल्स को दांतों के थ्रू चबाने के कारण हमारे दांत की बाहरी इंसाइजल लाइन जो है वह घिसने लगती है, जिसके कारण एट्रिजन होता है। यह दो टाइप्स का हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल एट्रिजन हो सकता है या पैथोलॉजिकल एट्रिजन हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एट्रिजन में मेनली हम बात करेंगे कि एक एज स्पेसिफिक एट्रिजन, कोई भी व्यक्ति यदि 30, 40, 50 या 60 एज में जाता है तो उसके दांतों में परिवर्तन होता है धीरे धीरे। उसको एज इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल एट्रिजन बोलते हैं। पैथोलॉजिकल एट्रिजन की बात करें तो पैथोलॉजिकल एट्रिजन में आता है दांत में यदि कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, जैसे कि खाना चबाने में जो एबनॉर्मेलिटी होती है उसको फिजियोलॉजिकल एट्रिजन में रखते हैं। अब एट्रिजन के कॉजेज क्या हो सकती हैं? एट्रिजन के कॉजेज में यदि बात करें तो एबनॉर्मल चेइंग, यदि हम खाना को एबनॉर्मल तरीके से तोड़ते हैं जिसके कारण से दांतों में घिसाव होता है, मैस्टिकेटिव फोर्स बढ़ेगा, जिसके कारण एट्रिजन होगा। यदि दांत में यदि कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेलिटीज होती है, या बात करें कि बर्थ के टाइम से, जैसे कि हमारा अमाइलोजेनेसिस इनेमल बनना अच्छे से नहीं हुआ, बर्थ के टाइम डिफेक्टिव होती है, या डेंटिन प्रॉपर बर्थ के टाइम नहीं बनता, तो इसको हम अमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्ट और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण हमारा दांतों में घिसाव होएगा। अब नॉर्मल अक्लूजन की वजह से यदि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनमें अक्लूजन प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण एट्रिजन होगा। क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं? एट्रिजन के क्लिनिकल फीचर में बात करें तो इसके सबसे पहले यदि पेशेंट आएगा तो हमें ये बताएगा कि टिप, कस्प और कंट्यूर एरिया, टूथ के कंट्यूर एरिया में घिसाव की वजह से पेन और सेंसेशन होता है। पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा, यदि हमारा इनेमल घिस गया है, या फीलिंग्स जो है हमारे इनेमल्स के ऊपर की फीलिंग्स या दांत इनेमल की परत जो है वो घिस गई है, जिसके कारण हमारा सेंसेशन डेंटिन में जाता है, डेंटिन एक्सपोज हो चुकी है, जिसके कारण पेन सेंसेशन होगा। यदि डेंटिन एक्सपोज हो गई है तो डेंटाइनल ट्यूबवेल के थ्रू पेन होगा। प्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट एरिया, यदि प्रॉक्सिमल दांत का ये है, प्रॉक्सिमल पार्ट्स की मैं बात करें, यदि प्रॉक्सिमल पार्ट में यदि केरीज लगी है जिसके कारण यह डीके होता है, डिकेड होगा, तो हमें सेंसेशन जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी, पल्प में यदि इन्फेक्शन या बैक्टीरिया पहुंच गए हैं जिसके कारण सेंसेशन होगा, और ये सब एट्रिजन के क्लिनिकल फीचर हैं। ट्रीटमेंट की बात करें हम, ट्रीटमेंट भी बात करेंगे तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि ये जो एबनॉर्मेलिटी है अमाइलो, ये एबनॉर्मेलिटी जैसे कि अमाइलो जेनेसिस और डेंटाइनोजेनेसिस इम्परफेक्ट हुआ है तो उसको हमें ट्रीट करना है। दूसरा ट्रीटमेंट ये हो सकता है च्युइंग हैबिट जो है अपने चबाने की या मैस्टिकेटरी फोर्स है उसको कम करना है। मेटल या मेटल सिरेमिक का क्राउन जो लगाते हैं, इसमें यदि कोई भी दांत का घिसाव हो गया उसमें मेटल या मेटल सिरेमिक के क्राउन लगाना है। ये हो गया एब्रिजन का ओवरव्यू।
तो इस प्रकार यदि हम बात करें, ओवरऑल डिस्कस करें, तो ये एट्रिजन जो है, एट्रिजन एक फिजियोलॉजिकल वेयरिंग कैपेसिटी है जिसमें टूथ के कांटेक्ट होने के कारण उसमें घिसाव होता है, मास्टिकेटरी फोर्स लगता है। ये दो टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एट्रिजन और पैथोलॉजिकल एट्रिजन। फिजियोलॉजिकल एट्रिजन एज इनविजिबल होती है, जो स्पेसिफिक एज में होती है, और पैथोलॉजिकल एट्रिजन जो होता है चिंग्स पैटर्न के कारण होता है। कॉजेस की बात करें, यह कॉजेस होएगा एबनॉर्मल च्यूइंग के कारण होएगा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ टूथ होएगा, या तो टूथ पर प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, इनेमल का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ है, डेंटिन का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आएगा। एबनॉर्मलिटी ऑफ अक्लूजन, यदि अक्लूजन बराबर नहीं हो रहा है, प्रॉपर अक्लूजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें एट्रिजन होएगा। क्लिनिकल फीचर यदि बात करें, क्लिनिकल फीचर ये होएगा, यदि यदि टूथ की कस्प और टिप और कॉन्टेक्ट एरिया में एट्रिजन है, घिसाव है, जिसके कारण पेन और सेंसेशन होएगा। एक्सपोज ऑफ इनेमल और इनेमल फ्लैट हो गई है, जिसके कारण डेंटिन के थ्रू पल्प में सेंसेशन। तीसरा, यदि डेंटिन एक्सपोज हो गई है तो सेंसेशन होएगा। चौथा, प्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट एरिया में यदि प्लाग, कैलकुलस कुछ भी है, जिसके कारण केरीज और ये सेंसेशन पल्प हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी होएगी, यदि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हाइपर सेंसिटिविटी होएगी, जिसके कारण हमें एट्रिजन के कारण देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट जो होगा, ट्रीटमेंट में बात करें तो करेक्शन ऑफ डिफॉर्मेलिटीज, जितनी भी डिफॉर्मेलिटीज हुई है उसका करेक्शन करेंगे, च्यूइंग हैबिट को सुधारेंगे, मेटल या मेटल सिरेमिक यूज करेंगे।